च राशि वे राशि होती हैं जिनका मान क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। जैसे हम देखें परिवर्तनशील, जैसे ए ले सकते हैं, बी सी एक्स वाई जेड, मन करे तो कखा का भी ले सकते हैं, माने वो जिसका हम मान अपने से बदल कर रख सकते हैं। जैसे हम मान सकते हैं ए बराबर दो, बी बराबर तीन, कंडीशन के हिसाब से हम ले सकते हैं। तो चर राशि वे राशि होते हैं जिनका मान क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। और दूसरा देखते हैं अचर राशि, अचर राशि वे राशि होते हैं जिनका मान क्या होता है जी, निश्चित होते हैं। जैसे एक दो तीन चार पाँच छः, माने जितने, अब इनका मान हम ये नहीं कह सकते कि पाँच के बराबर हम तीन रख सकते हैं या दो के बराबर एक रख सकते हैं, जिनका मान होता है वही होता है। अब देखते हैं बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक क्या होता है, तो चर तथा अचर राशि के, अचर राशि से सम्मिलित, से सम्मिलित पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं जी, बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब ये कहने का मतलब ये है कि बीजीय व्यंजक उन्हें कहते हैं जो चर तथा अचर राशियों से मिलकर बने होते हैं। जैसे 2x या 2x प्लस वाई, ax प्लस बी, जहाँ ए वास्तविक संख्या हो सकता है, जैसे 4x प्लस 3। देखिए यहाँ पर चर अचर राशि दोनों से मिलकर बना आता है, तो हमेशा बीजीय व्यंजक जो होता है चर और अचर राशियों के संयोग से, मैंने सम्मिलित होने से बना होता है। अब आते हैं हम बहुपद, तो बहुपद यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि किसी भी बीजीय व्यंजक में चर की घात पूर्ण संख्या यानी पूर्णांक होने पर, धनात्मक पूर्णांक हो, उसे क्या कहते हैं, उस बीजीय व्यंजक को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात मतलब एक्स वाई जेड ए बी सी डी की घात क्या हो, धनात्मक हो। जैसे हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस तीन, अब देखिए यहाँ एक से घात कुछ नहीं रखा है, एक है। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस तीन, यहाँ देखिए यहाँ भी एक से घात का ही धनात्मक है, ये क्या है, और बहुपद हैं। और बहुपद जानने से पहले हम बहुपद प्रकार जानते हैं घात के अनुसार। ये जो इसके घात होते हैं क्या कहलाते हैं, जैसे एक्स का पावर दो, यहाँ कुछ नहीं है, तो एक्स का पावर क्या है जी, एक है। अब देखो बहुपद के प्रकार, तो बहुपद में सबसे पहले रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद माने वह बहुपद जिनमें घातों की संख्या का हो, एक हो। जैसे 2x, अब देखिए इसमें कुछ नहीं थे, x का पावर का है, एक है। 2y प्लस वन, अब देखिए y में भी घात की संख्या क्या है, x है। अब इसको भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये भी क्या है, ये भी रैखिक बहुपद है, क्योंकि इनमें सब में कॉमन ये देखते हैं x का पावर का है जी, या एक संख्या है, वाई के पावर एक है, कुछ भी नहीं वहाँ पर, कुछ भी नहीं, वाई के पावर एक छिपा रहता है। अब अगला आते हैं हम द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद नाम से ही पता चलता है, वह बहुपद जिनमें घातों की संख्या क्या होती है जी, दो होती है। वह बहुपद जिनमें घातों की संख्या क्या होती है, दो होती है। जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस तीन, ये क्या है जी, ये द्विघात बहुपद है। और एग्जांपल लिख सकते हैं पाँच एक्स स्क्वायर प्लस छः एक्स प्लस तीन, यहाँ देखते हैं इसमें क्या दिखता है, एक से घात का है जी, दो है, ये क्या है, द्विघात बहुपद है। एक्स स्क्वायर माइनस तीन, देखिए यहाँ पर भी एक से घात का है, दो है, ये क्या है, द्विघात बहुपद है। अब आते हैं हम त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद वह बहुपद जिनमें घातों की संख्या क्या हो, तीन है। त्रिघात जैसे हम लिख सकते हैं एक्स क्यू टू एक्स स्क्वायर
प्लस छः एक्स प्लस पाँच। अब यहाँ मुख्य मुद्दा हमें एक्स का पावर कितना है, ये अधिकतम तीन है, ये त्रिघात बहुपद हैं। जैसे और लिख सकते हैं, टू एक्स के क्यूब प्लस छः एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस ये पाँच, ये भी क्या है, ये त्रिघात बहुपद है। यहाँ पर ये देखने लायक होता है कि एक्स के पावर कितना है, तो एक्स के पावर तीन है, ये क्या है, त्रिघात बहुपद है। अब पदों के आधार पर अगर हम बहुपद देखें तो पदों के आधार पर बहुपद, जैसे पद के आधार पर, पद के आधार पर बहुपद अगर हम देखें, हम कक्षा नौ में पढ़ के आए हैं, एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद, तो वह बहुपद जिनमें पदों की संख्या का हो जी एक है। जैसे यहाँ पर देखें टू एक्स, इसमें कितने पद हैं, टू एक्स एक ही है, ये दो एक्स दो नहीं है क्योंकि इस बीच में प्लस माइनस नहीं है। यहाँ पर देखिए एक्स के क्यूब, ये भी क्या है, एक पदीय बहुपद है। टू एक्स के स्क्वायर, यह भी क्या है, एक पदीय बहुपद है। अब देखते हैं द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, तो द्विपदीय बहुपद यानी जिसमें पदों की संख्या का हो जी दो हो, वह बहुपद जिन्हें पदों की संख्या का है दो हो, जैसे इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई, देखिए इसमें पदों की संख्या कितने हैं, दो है। टू एक्स प्लस तीन, यही पदों की संख्या इसमें क्या है, दो है। एक्स स्क्वायर माइनस चार, देखिए यहाँ इसे कह सकते द्विघात, द्विघात बहुपद हैं लेकिन इसमें पद कितने हैं जी दो है, ये भी द्विपदीय बहुपद होगा। अब त्रिपदीय देख सकते हैं, त्रिपदीय बहुपद वो बहुपद जिन्हें पदों की संख्या का हो जी तीन है, जैसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देखिए इसमें पदों की संख्या एक दो तीन, ये भी क्या है, त्रिघात बहुपद हैं। अब अगला जैसे लिख सकते हैं हम पाँच एक्स स्क्वायर प्लस छः एक्स प्लस दो, ये भी क्या है, त्रिघात बहुपद है, जिसमें इसमें देखते हैं एक दो तीन, इसमें पदों की संख्या कितने हैं जी तीन है। अब आते हैं हम प्रश्नावली के, अब देखें देखते हैं कि रैखिक बहुपद का शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं। मान लेते हैं हमारे रैखिक बहुपद वो होते हैं जिनमें घातुक संख्या होता है एक होता है, यहाँ पर ए एक्स प्लस बी, अब इसका हमें शून्यांक ज्ञात करना है, शून्यांक, तो जब शून्यांक ज्ञात करना है तो इसके बराबर हमें क्या करना चाहिए, शून्य लिखना चाहिए। अगर हम फिगर ऐसे दर्शाएँ तो हम जानते हैं कि ये एक्स अक्ष होता है, ये एक्स डॉट होता है, ये वाई, ये वाई डॉट होता है, ये वाई नीचे वाला वाई डॉट होता है। अगर हम कोई रेखा इनसे गुजारे तो एक्स अक्ष पर जितने बार ये एक्स अक्ष को मान लीजिए माइनस दो है, ये एक है, तो इसका यहाँ पर जो निर्देशांक होगा वही इसका क्या होगा, शून्यांक होगा। तो यहाँ पर ए एक्स बराबर जो जीरो दिया है, तो अगर हम एक्स का मान निकालेंगे तो ये इधर जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए, ये ही क्या होगा, इसका शून्यांक होगा। तो हमेशा अब हम प्रश्नावली 2.1 के सवालों को हल करेंगे। देखिए प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल है, इसमें एक ही सवाल है, किसी बहुपद पी एक्स के लिए वाई बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे दिया गया है, ये पी एक्स के शून्यांक को ज्ञात करना है। ये बहुत ईजी प्रश्नावली है, इसमें हमें ये देखना होता है कि ये रेखाएँ एक्स अक्ष को जितने बार ये काटती हैं, एक शख्स को जितने बार काटती हैं वही उसका क्या होता है, शून्यांक होता है। अगर हम कहें इस पहले वाला हम फिगर में देखते हैं कि ये रेखा एक शख्स को कितने बार काटती है जी, तो यहाँ एक शख्स पर एक बार भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, इसलिए इसका शून्यांकों की संख्या क्या होगा, शून्य होगा। तो हम कह सकते हैं कि रेखा एक शख्स को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, इसलिए इसका शून्यांक की संख्या कितना होगा जी, शून्यांक की संख्या शून्य होगा, क्या होगा, शून्य होगा। अब दूसरे में देखते हैं, यहाँ पर दूसरे नंबर सवाल में, इसमें जो ये रेखा है एक शख्स पर कितने बार प्रतिच्छेद करते थे, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक शख्स पर ये बिंदु प्रतिच्छेद करती है, तो एक शख्स पर एक बार प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए इसका शून्यांकों की संख्या कितनी होगा जी, शून्यांक की संख्या एक होगा, क्या होगा, एक होगा। ये दूसरा तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अब ये रेखा देखिए एक शख्स पर इस बिंदु पर
इस बिंदु पर और इस बिंदु पर तीन बार प्रतिच्छेद करती है, इसलिए इसका शून्यांक का संख्या क्या होगा जी, इसका शून्यांक की संख्या तीन होगा। अब इस प्रश्न को देखते हैं, चार नंबर, इसमें देखते हैं ये रेखा एक अक्ष पर कितने बार प्रतिच्छेद करती है, एक बार यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है, एक बार यहाँ पर करती है, इसलिए इसके शून्यांकों की संख्या कितनी होगी जी, शून्यांकों की संख्या दो होगा, शून्यांकों की संख्या जो होगा क्या होगा जी, दो होगा। अब आते हैं पाँच नंबर प्रश्न, पाँच नंबर प्रश्न में भी हमें देखते हैं इसमें एक अक्ष पर कितने बार प्रतिच्छेद करता है, एक दो तीन चार, तो इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी होगा जी, तो शून्यांक की संख्या इसमें कितने बार टच कर रहा है, चार बार, तो इसका शून्यांक की संख्या भी चार होगा। अब आते हैं अंतिम प्रश्न पर, अंतिम, अब छः नंबर क्वेश्चन में देखिए इसमें अब एक शख्स पर कितने बार ये कट रहा है जी, तो तीन बार, तो जब तीन बार कट रहा है तो इसका शून्यांकों की संख्या क्या होगी, तीन होगी, इसके शून्यांकों की संख्या क्या होगी, तीन होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए।